देखिए दोस्तों, अभी हमको गनीगंज से फोन आया, अभी 12 रात बज रहा है और यहाँ पे सीढ़ी का धावा बना हुआ था, इसको हम पूरा हटाए, कम से कम 500 ईटा हटाए हैं। उसके बाद हमको स्नेक दिखाई देखे, इसमें कोमल कर रहे थे दोस्तों, जो अपने भारत का बहुत विशाल सांप होता है दोस्तों। चलिए आपको चल के दिखाते हैं किसी के अंदर सांप है, चलिए देखिए। देखिए दोस्तों, इसी के अंदर घुसा हुआ है, वाले सटल देवाल से चाहे देवाल से कहाँ या भी जाए, उनको बगरा भाग जाए। पूर्वे बगला। हम ध्यान दिए काटे तेरा दादा ने मारा पत्तेगा मुंह यो आ गया हैं ये मुंह आ गया काट ले दी बीच में काटा अब बोल वाला है कहीं आप लोग ये चुगली हटा ले ये चुगली हां टच वाला पानी पना ये वो पानी पना ये तो फट गया पानी तो पानी जैसे लाने पानी जो कोई जल्दी से लाना कोई के घर पानी ना हो ना ना पानी ला ये पानी भूसा का बांध बोरे जल्दी टच वाला कहना है के पन्नी के पास होकर मुंह वो मुंह निकालना को आगे हुआ 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 धार तू चलो या मुंह लो छोड़े छोड़े ये लाई इधर ही धार कहां है ये लाई मोबाइल से भेज दिया हूं बेटा छोड़िए ना कर रहे आइए सर आइए इधर आइए देख सकते दोस्तों, ये कोमल कराए थे स्नेक है और ये बहुत विशाल सांप होता है। आप इधर आ रही है देखिए दोस्तों, ये कोमल कराए थे स्नेक है, इसके अंदर पाइजर बहुत होता है और ये खास के रात में ज्यादा निकलता है क्योंकि ये रात का शिकार है और ये दिन में बहुत कम दिखाई देता है, ये रात में ज्यादा निकलता है और ये अपने भारत का बहुत विशाल सांप है दोस्तों, कोमल कराए थे और ये बहुत कम निकलता है, किसी को भी अगर काट ले तो तुरंत मर जाएगा आदमी, बहुत विशाल सांप होता है दोस्तों। देखिए इसके अंदर फुर्ती कितना है, देख सकते हैं इसके अंदर फुर्ती बहुत है। देखिए ये बाइट करने के लिए किस तरह कर सकता है, देखिए ठीक है चालू सांप है और ये पकड़ने नहीं दे रहा, देख सकते हैं आप लोग। कल वो गणेश का था डब्बा ये वाला है, डब्बा नहीं फटी दो फटी तन्नी को बढ़िया से कर दो। देखिए दोस्तों, अपने भारत का सबसे विशाल सांप है दोस्तों और ये बहुत कम निकला जाता है,
देखिए दोस्तों, ये अपने भारत का सबसे विशाल सांप होता है और इसका नाम है कोमल कराई स्नेक। और किसी को भी हाथ पैर में सांप बाइट करे आधा से एक घंटा के अंदर आदमी मर सकता है अगर इसको सही से इलाज नहीं किया गया तो। और किसी को भी हाथ पैर में सांप बाइट करे तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र विद्या नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। आपके एंटी में ना इसको जब आप सबको कोमल करे स्नेक अगर आपको बाइट करेगा तो आपको 15 से 20-25 एंटी में भी आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हॉस्पिटल में यहाँ पे 10 एंटीबेन हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ के आदमी लोग डॉक्टर लोग सुइया नहीं देता है जल्दी एंटीबेन, इसलिए किसी को भी सांप बाइट करे तुरंत PMC लेके जाइए या तो मुजफ्फरपुर लेके जाइए, तारा हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाइए और तुरंत इसको एंटीबेन सुइए। और कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों। अपने भारत में 450 जाति का सांप होता है, उसमें मात्र 10 गो सांप में पाया जाता है दोस्तों। पन्नी लगा के हम इसलिए सांप को पकड़ते हैं कि सांप में बहुत बदबू है, क्योंकि ये सांप अगर हाथ से बाइट छू देंगे तो हाथ का महक नहीं भागता, क्योंकि ये बहुत बदबूदार सांप होता है, इसलिए हम इसको पन्नी लगा के पकड़ते हैं, क्योंकि हाथ में सटेगा तो हाथ का महक नहीं भागेगा। चलिए दोस्तों, हम इसको पैक करते हैं, फिर इसको सुरक्षा ले जाएंगे, इसको छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, डिब्बा आ चुका है, हम इसको पैक करते हैं, फिर इसको सुरक्षा ले जाकर इसके जगह पर छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, वो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए आप लोग के लिए हम 24 घंटा सेवा में रहते हैं, 24 घंटा सेवा में रहते हैं, और कहीं भी सांप निकले तो जीव जंतु तुम्हारा नहीं, आप हमको कॉल करके बोला है। कॉमन करा तो स्नेक है, ये बहुत विशाला सांप होता है दोस्तों। कहीं भी सांप निकले तो तुरंत हमको कॉल करके बुलाइए। अगर आप लोग के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यूट्यूब पर जाके बोलिए पार्ले जी वैशाली, उसमें मेरा वीडियो आएगा, वीडियो में से नंबर निकाल के आप हमको कहीं भी बुला सकते, भारत के कोई भी कोना में।